नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मंत्रिमंडल विस्तार पर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल विस्तार का शोर तेज हो गया है। अटकलें हैं कि एक दो दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट में कौन कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक भी कर चुके हैं। लिस्ट लगभग तैयार बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पहली बार में 20 विधायक शपथ ले सकते हैं। हालांकि सवाल ये है कि मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार किस फार्मूले के तहत होगा और क्या लोकसभा चुनाव को देखते जाति समेत अन्य समीकरणों का ध्यान भी रखा जाएगा। आज चर्चा इसी के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मोहन की टीम में किसे मिलेगा मौका? मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आलाकमान के साथ बैठक हो चुकी है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आलाकमान ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी दिखा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने पर सहमति बनी है। तो कहा यह भी जा रहा है कि सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम आगे बढ़ा दिया गया है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार काफी अहम होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं का इस पर क्या कहना है वो सुनिए। देखिए, मंत्रिमंडल के गठन का अधिकार, उसमें चयन का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को होता है। संवैधानिक अधिकार भी उनका है और विवेक अधिकार भी उनका है। और स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, इसलिए सभी प्रकार के जो राजनीतिक दल के नाते समीकरण को साधने की आवश्यकता होती है वो साधेंगे, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, विकास, सुशासन और कल्याणकारी योजनाएं। अब वो संभावित नाम को जान लीजिए जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, संपत्या उइके के नाम शामिल हैं। वहीं विष्णु खत्री, रमेश मेंदोला, भगवान दास सबनानी, संजय पाठक समेत कई नेताओं के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, गोपाल भार्गव, विजय शाह, जयंत मलैया समेत कई पुराने और दिग्गज चेहरों पर अभी एक दौर की चर्चा बाकी बताई जा रही है। यानी कुछ पुराने चेहरों पर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं का चुनाव कर रही है। खैर, मोहन मंत्रिमंडल में 32 खाली पड़े पदों पर युवाओं के साथ पुराने नेताओं में से बीजेपी किसे चुनती है, इसकी तस्वीर भी जल्द साफ होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि जाट मरा तब जानी है जब तेरवी हो, और बीजेपी हाल के सालों में जैसे निर्णय ले रही है तो ये कहावत बिल्कुल 16 आने फिट है। लेकिन फिर भी हम चूंकि पत्रकार हैं तो विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, समीकरणों की बात करना हमारा विवेकाधिकार है और इसी का हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ही के पास कि लगातार कहा जा रहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, पेज कहाँ फंस रहा है और दूसरा उसका क्राइटेरिया क्या लग रहा है? देखिए, एक बात सबसे पहले हमको ये सुनने को मिली कि मध्य प्रदेश में पहली बार का विधायक मंत्री नहीं बनेगा, ऐसा करके एक बात सामने आई जी। वहीं आप देखिए राजस्थान में पहली बार का विधायक तो मुख्यमंत्री बन गया, तो इसके बाद क्राइटेरिया की बात कहां से आ जाती? क्राइटेरिया तो रह ही नहीं गया, बच ही नहीं गया। जब पहली बार का व्यक्ति मुख्यमंत्री ही बन गया जिसको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इससे पहले कभी उन्होंने फाइलें नहीं चलाई और वह बन गए मुख्यमंत्री, तो जिन्होंने निर्णय लिया वो भी ऐसे मुख्यमंत्री बने थे और गुजरात में हमने देखा पिछले मुख्यमंत्री जो बने हैं। तो इसलिए जो है फार्मूला नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो केवल ये है कि भाई हम सर्वशक्तिमान हैं और संगठन सर्वशक्तिमान है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो नेतृत्व जो है उसके पास एक विशेष अधिकार आ जाता है और वो अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर रहा है। बिल्कुल। तो एक तो ये महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि आपने पार्लियामेंट के मेंबर या राज्यसभा की संपत्ति या हुई के जो राज्यसभा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं
उनको आपने विधायकी में ला दिया, तो इसका मतलब आपने उनके बारे में ये तो विचार कर ही लिया होगा कि आप उन्हें केवल विधायक बनाने के लिए तो नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो इसलिए वो मंत्रिमंडल में पहली प्राथमिकताओं के आधार पर माने जा रहे हैं। अब ये जरूर विचार आया सबके मन में, आपके मन में भी विचार है, मेरे भी मन में विचार है कि मोहन यादव जी चूंकि मुख्यमंत्री हो गए और मुख्यमंत्री का बड़ा रुतबा होता है, बड़ा ओहदा होता है, और जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो जूनियरिटी सीनियरिटी खत्म हो जाती है, ये भी मान लिया जाता है। इसके बावजूद भी कैलाश विजयवर्गीय जी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, तो प्रहलाद पटेल जी दो बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, चार बार के लगभग लगभग सांसद हैं, चार भी क्यों पांच कह सकते हैं, पांच बार के सांसद हैं, बालाघाट से जीते, सिवनी से जीते और दमोह से दो बार जीते, दो हो गए, चार पांच बार के तो हैं ही। राकेश सिंह जी भी तीन चार बार के सांसद, चार बार के हैं और पांचवी बार विधायक बन गए जी, पांचवी बार विधायक बन गए। इसी प्रकार से उदय प्रताप सिंह जी जो है वो भी जो है विधायक हैं, रीति पाठक जी दो बार की सांसद हैं। तो इस प्रकार यदि हम विचार करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली मंत्री होंगे, और मुख्यमंत्री तो प्रभावशाली होता ही है, लेकिन चूंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें भर तो कहीं ना कहीं जो प्रभावशाली लोग हैं वो मुख्यमंत्री के अधीन काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है, इस राजनीतिक समीकरण के परिणाम क्या आएंगे जनता के बीच में, ये निश्चित रूप से आज से ही हमें विचार कर लेना चाहिए। क्या हम राजनीति की ऐसी परिपाटी प्रारंभ कर रहे हैं, या राजनीति का एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, या राजनीति में जो है केवल मंत्र फूंक करके और जो है शक्तिशाली बनाने की प्रथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो कोई ना कोई एक नई चीज तो मनोज जी हो रही है। बिल्कुल। जो शायद हमें आज न दिखे, लेकिन हम समीक्षक हैं, विचारक हैं और हम पत्रकार हैं, तो केवल ये भी तो नहीं कह सकते ना जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, इतना कह के अच्छा नहीं छुड़ा सकते ना। इसलिए जो हो रहा है उस पर हम सब लोगों की नजर होना चाहिए, और चूंकि जब हम खबर बनाने के लिए बैठते हैं तब हमारा सोचने का तरीका अलग होता है, जब हम समीक्षा करते हैं तब हमारे साथ इब्बट्स जुड़ जाती हैं, हम उन सब बातों का ध्यान रख करके अपनी बातें कहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ये जो तीनों राज्यों की सरकारें बनी हैं उसमें एक ही व्यक्ति ऐसा है, विष्णुदेव साय जी, जो भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ये मंत्री रहे हैं, उनके पास एक सुदीर्घ अनुभव है, और वे ये भी जानते हैं कि आदिवासियों की, क्योंकि उनके बीच से आते हैं, तो उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका निदान क्या है। पार्टी को जीतने के लिए केवल एक ब्रह्मास्त्र नरेंद्र मोदी की आवश्यकता नहीं होती, अन्य स्थानों की भी जरूरत होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके मुझे ये लगता है कि एक नया समीकरण, नया प्रयोग, नया विचार, नई राजनीतिक विचारधारा पनप रही है, जिसके बारे में हमको ध्यान रखने का है। जहां तक मंत्रिमंडल के लोगों का प्रश्न है, तो यहाँ तो भाई जिसके कंधे पर हाथ रख दिया जाएगा वही शेर हो जाएगा, इसलिए कोई बहुत इस पर बहुत ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं लगती। लेकिन हाँ, ये बात सच है, जैसा रजनीश जी भी कह रहे थे कि ये बात सच है कि आपको लोकसभा के चुनाव जीतना है, कम से कम 28 तो आपको रखना ही पड़ेंगी। यदि आपने 28 नहीं रखे तो आपका परिवर्तन का भी मतलब नहीं रहा, और आप जो ये कह रहे हो कि हमारा मैजिक चलता है, हमारा जादू चलता है, उस पर भी लोगों को संदेह तो उत्पन्न होगा ही। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में हमको राजस्थान छत्तीसगढ़ की बजाय मध्य प्रदेश की राजनीति पर हमें आज अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जी। तो ब्रजेश जी, ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनको देना वो दे भी रहे और हमारा जो काम वो हम भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ही पहले खबर आ जाती है अचानक से कि मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर एक खबर आ जाती है कि अभी फिलहाल नहीं होगा, जबकि राजभवन में तैयारियां लगभग लगभग पूरी हो चुकी होती हैं। गवर्नर जो बाहर हैं उनका भी हो जाता है कि सोमवार को रात तक वो पहुँच जाएंगे। इन सब के बीच चूँकि अब हम देख रहे हैं कांग्रेस ने भी मालवा, निवाड़ और ग्वालियर चंबल में फोकस किया, जैसा कि बीजेपी ने भी किया था कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री विंध्य से, और प्रदेश जो विधानसभा अध्यक्ष है वो विंध्य से, वो ग्वालियर चंबल से, नरेंद्र सिंह तोमर। ऐसे में अब बीजेपी हो सकता है इसलिए भी ये प्लान रुका हो कि जो कांग्रेस ने शायद कुछ समीकरण गड़बड़ाए हों कि अब नालवा निवाड़ पे उनको ज़्यादा फोकस करना होगा बीजेपी को, क्योंकि सीटें भी उनकी ज़्यादा मिली हैं बीजेपी को इस इलाके में, और आदिवासी उतना वोट नहीं मिल पाया बीजेपी को सीटें जितनी वो अपेक्षा कर रही थी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री की बात करें, तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात करें, गृहमंत्री की बात करें या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, लगातार इस क्षेत्र में दौरे कर रहे थे और आदिवासियों को रिझाने का प्रयास हो रहा था।
निश्चित तौर पर जी कि जो भी मंत्रिमंडल बनेगा उसमें तमाम समीकरण साधने का जतन किया जाए। और जो बात शर्मा जी भी कह रहे थे कि इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो एक तरफा निर्णय नहीं हो पा रहा है या एक तरह से समन्वय नहीं बन पा रहा है। जब कल बैठक हुई थी, इस कारण मंत्रिमंडल का गठन की बात टाल दी गई होगी कि आगे बढ़ा दी गई, समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो आपने निर्णय ले लिया, चौंकाने वाले निर्णय ले लिए कि आपने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है या एक तरफा निर्णय लिया, जो भी निर्णय लिया पूरी पार्टी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अंदर खाने से सब कुछ ठीक नहीं है। मनोज, ये जो निर्णय हुए हैं उस निर्णय का कहीं ना कहीं दबे स्वर में ही आलाकमान तक बात तो गई होगी। बिल्कुल, तो इसके बाद जो निर्णय लेना है उसमें भी कहीं ना कहीं आलाकमान चाहता है कि ऐसे संकेत दे कि सबको साथ कर चलें, सबको मैं संतुलन बनाकर चलें, ताकि एक मैसेज ना जाए कि बड़े लोगों को, वरिष्ठों को आपने दरकिनार कर दिया, उनकी जरूरत थी आपको विधानसभा चुनाव में माहौल बनाने के लिए, क्षेत्रीय नेताओं को आपने उतार दिया, उनका उपयोग किया और फिर किनारे कर दिया। तो ये मैसेज भी एक तरह से नुकसानदायक हो सकता है लोकसभा चुनाव में, भविष्य की राजनीति में बीजेपी के लिए। शायद ये बात उनके मन में करी हो। और ये बात जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बात अलग है, वहाँ अनुभवी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में वहाँ पे आप काम कर रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने नीचे से उठाकर एक आदमी को जूनियर को बना दिया और अब आप उनसे सीनियर को क्या चाहते हो कि बाबूलाल कैबिनेट मंत्री के रूप में उनका है अनुभव तो है प्रशासनिक, निश्चित तौर पर है, लेकिन उनसे बड़े और जो दोनों उप मुख्यमंत्री उनके पास भी है, क्या वैसी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं कि बाकी के बड़े नेता, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, वो दूसरे बाबूलाल गौर बनने के लिए तैयार हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं कद के अनुरूप? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये हो सकता है जो खबरें आ रही हैं कि उन दोनों से इस बारे में बात भी की है जेपी नड्डा ने कि क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं या उनकी भूमिका के बारे में और कुछ सोच रखा है। आप देखिए कि कल जो बैठक हुई है उसमें मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता मान सकते हैं हम, 17 साल तक 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वो उस बैठक में नहीं थे। तो जो टालने की बात की जा रही है वो मुझे लगता है कि कल मंगलवार को मंत्रिमंडल की गठन होगा, है ना, विस्तार होगा, उसकी जो चर्चा आई है वो ऊपरी थी, क्योंकि अभी तक तो चर्चा ही चल रही है। एक दौर की बैठक हो चुकी है, दूसरे दौर के लिए शिवराज सिंह चौहान को भी बुलाया गया है, तो जो मंत्रणा चल रही है शायद इस वजह से उसको आगे बढ़ाया गया हो कि सबको साथ लेकर, कुछ नामों पर सहमति बनी है, कुछ नामों पर सहमति नहीं बनी है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, या प्रहलाद पटेल की बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, बड़े नेताओं से समन्वय बनाने के लिए, जातिगत समीकरण साधने के लिए, क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए। और जो आपने कहा है कि आदिवासी वोट बैंक में जिस तरह से जतन किया था बीजेपी ने, वैसी सफलता उसको मिली नहीं है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो नेता प्रतिपक्ष उसी वर्ग से बना दिया है, आदिवासी क्षेत्र समाज से आते हैं उमंग सिंगार, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो रहेगा कि आपने अभी तक, आपने देखिए एक ब्राह्मण को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, एक दलित को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जिस वोट बैंक में आप सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे उसको अभी तक आपने कुछ नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर उसका समावेश इसमें करना पड़ेगा ताकि एक मैसेज देने की कोशिश की जा सके। वो एक संख्या भी हो सकती है, वो एक से अधिक संख्या भी हो सकती है, ताकि पल्ला आपका भारी दिखे कि आप उस वोट बैंक को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको बाकायदा आप सिर्फ ये कह के नहीं कि आपने राष्ट्रपति बना दिया तो आपके राज्यपाल वो हैं, तो सिर्फ इस आधार पर आपको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, उस क्षेत्र से आपको नेतृत्व को आगे लाना पड़ेगा, जिस तरह से यदि उमंग सिंगार को कांग्रेस आगे लेकर आई है। तो कांग्रेस ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है वो हालांकि बीजेपी से ही सीख कर की है, लेकिन कांग्रेस के पास उतने विकल्प नहीं थे ना जितने बीजेपी के पास है, ये भी तो एक पहलू है ना। देखो पहलू तो है ना मनोज जी, लेकिन आपको उनको भी तो आगे लाना पड़ेगा ना, आपके पास विकल्प बहुत है, लेकिन उन विकल्प में से आपको किसी को चुनना तो पड़ेगा, एक भी चुन सकते हो आप, दो भी चुन सकते हो। और आपको जो महिलाओं को लेकर जो आप लगातार सियासत कर रहे हैं, या महिला वर्ग का आपको जो समर्थन मिला है उसको भी आपको मंत्रिमंडल उतनी ही तवज्जो देना पड़ेगी मनोज जी, कि आपको एक मैसेज दे सको कि भैया आपने सिर्फ वोट ही हासिल नहीं किया महिलाओं का, आपने उनको मंत्रिमंडल में पर्याप्त जगह भी दी है। तो ये तमाम समीकरण साधने के लिए, मुझे लगता है समन्वय बनाने के लिए इसको आगे बढ़ाया गया है कि सबको साथ सके, कोई एक मैसेज ऐसा ना जाए कि बड़े नेता नाराज हैं, यदि उनको शामिल करना है, उनके समर्थकों को शामिल करना है, उनके नाम पर विचार करना है। बिल्कुल, तो इस आधार की वजह से थोड़ा आगे बढ़ा है। तो शर्मा जी, हमने देखा पिछले मंत्रिमंडल की कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं थी जिसके कारण कुछ क्षेत्रों को बहुत सारा तवज्जो मिल गई, लेकिन अब वो स्थितियां हैं नहीं, और उनके खेमे के जो मंत्री जीत पाए हैं उनका भी कोई गारंटी नहीं है कि इस मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलेगा। तो एक बहुत सारा किंतु परंतु तो खत्म हो गया, अब तो चिंता केवल ये है कि क्षेत्रीय संतुलन कैसे साध लिया जाए, और जातिगत समीकरण साधने का प्रयास तो उसके साथ हो गई।
देखिए निश्चित रूप से ये बात होती है कि राजनीतिक पार्टियां इन बातों का ध्यान रखती हैं कि किस प्रकार का जातीय समीकरण होगा, किस प्रकार का क्षेत्रीय संतुलन बनेगा, किस प्रकार से जो है राजनीतिक समीकरण बनेगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रभावशाली लोगों को ये कहकर के रोक दिया जाता है कि भैया आपने तो बहुत बड़ा सुख सुविधाएं भोग ली हैं, आप कुछ नए लोगों को ला करके हमें राजनीतिक समीकरण साधने के लिए आप लोग जरा थोड़ा शांत रहिए जैसे गुजरात में रहे, तो इस प्रकार का हो सकता है। लेकिन इस बीच में मैं पहले एक बात के साथ जो अपने आप को जोड़ना चाहता हूँ, फिर मैं इस मूल बिंदु पर एक सेकंड के बाद आ जाऊंगा कि जब ये संदेश हम सब लोगों को मिल रहा है कि पहली बार का विधायक जो है वो मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो प्रहलाद पटेल तो पहली बार के विधायक है। मैं बिल्कुल ये सवाल आपसे करने वाला था। हाँ, राकेश सिंह भी पहली बार के विधायक है, कई बार रीति पाठक भी, राव उदय प्रताप, हाँ इनका मैं थोड़ा सांसद है कि मैंने नाम नहीं लिया, सांसद रहे कांग्रेस से फिर बीजेपी में आ गए, लेकिन विधायक संभवतः पहली नहीं, पहली बार विधायक बन चुके हैं, वो विधायक से ही वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे तेंदुखेड़ा से, इसलिए मैंने रोक लिया था अपने आप को कि मेरे को संशय था, मैं कंफर्म नहीं था। तो कुल मिलाकर के मनोज जी ये कि ये एक बड़ा पक्ष है कि यदि आप एक फार्मूला लागू कर रहे हो तब आपको ये कैसे ध्यान आएगा कि इन बड़े नेताओं का समायोजन हो जाए। एक बात तो खैर ठीक है, ये तो एक छोटी सी बात के बीच में एक छेपिका टाइप की आ गई है, लेकिन जो समीकरणों का मामला है उन समीकरणों में आपको दो चीजों पर बड़ा गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। आप लाख कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का सरकार बनाने में कोई बड़ा योगदान नहीं, और कैलाश विजयवर्गीय जी जितने जैसे दिग्गज व्यक्ति ने ये कहा कि लाडली बहना का कोई प्रभाव नहीं था, तो ऐसे में क्या आप ये करोगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम कर दोगे? दूसरी बात यह है कि आपने अभी तक जिन लोगों को बनाया है उसमें आदिवासी फैक्टर कहीं भी नहीं है। ये बात सच है कि आदिवासी की सीटें आपको एक आध दो ज्यादा मिली है कांग्रेस से बराबर की टक्कर दी, लेकिन मैं थोड़ा सा आज प्रधानमंत्री काशी में थे, उन्होंने महिलाओं संवाद किया था, एक हितग्राही से उन्होंने बात की थी, फिर उसके जवाब से बड़े वो प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि तुम चुनाव लड़ोगी क्या, उसने मना कर दिया, लेकिन उसने ये बताया कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रही तो मैं उनको कॉलेज में अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने कई सारी बहनों को लखपति बना दिया और मेरा लक्ष्य 10 लाख से ज़्यादा या 1 करोड़ महिलाओं को, लाडली बहनों को लखपति बनाना है। तो वो भले उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में स्वीकार ना करें, लेकिन महिलाओं के वोट की हैसियत क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व को भी समझ में आ रहा है। निश्चित रूप ये ही राजनीतिक रूप से समझने वाली बातें हैं। राजनीति में कई बार क्या होता है कि तोता रटन अलग विषय होता है मनोज जी, कि मैंने आपसे ये कह दिया कि ये वाली दो लाइन बोल देना आप, और आपने तोता रटन के आधार पर वो दो लाइन बोल दी, तो ये बड़े नेताओं का काम नहीं है। जिस प्रकार आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने हो सकता है किसी के कहने पर ये बातें कही हो, क्योंकि वो तो खुद जानते हैं ना कि राजनीति क्या चीज होती है, उन्हें तो बड़ा मालवा में उनका बड़ा प्रभाव है और मालवा में उन्होंने देखा है कि किस प्रकार के समीकरण बने हैं, बिगड़े हैं, फिर बने हैं, तो इन सब चीजों को देख करके ये तो महिलाओं को आपको मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ेगा। यदि आप नहीं देंगे तो ये संदेश जाएगा कि आपने महिलाओं को वोट के नाम पर जो है उपयोग कर लिया, और संकेत तो तभी मिल गया जब बड़ी संख्या में आपने टिकट दिए हैं और बड़ी संख्या में महिला जीती भी हैं, और आपने आपने खुद ही 33% आरक्षण का विषय दिलाए हैं, तो ये इसका श्रेय भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाता है कि वो 33% आरक्षण लेकर के आए, और आज यदि मंत्रिमंडल में स्थान नहीं देंगे तो 33% को कोई आप जो है वहां मूर्त बना करके रखने के लिए तो नहीं लाए होंगे। अच्छा, आज महिलाओं के बारे में आप देख लीजिए कि महिलाओं की कार्यशैली जो है वो आज अपेक्षाकृत बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, उनके अंदर समझ बढ़ रही है, उनके अंदर जो है चूंकि अनुभव तो गृह चलाने का है ही, तो देश चलाने का अनुभव अपने आप समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आपको महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा आपको आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना पड़ेगा। आपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों में से एक भी आदिवासी नहीं दिया, आपने जो है ये छत्तीसगढ़ में ठीक है मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आपने राजस्थान में भी एक भी आदिवासी नहीं दिया, तो इन सब चीजों को आपने को संतुलन बनाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के लिहाज से तो कम से कम बनाना पड़ेगा। अगली बात मैं ये कह सकता हूं इस सारी समीक्षा के दौर में कि आपको इस बात का अब संदेश देना पड़ेगा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भाजपा के अंदर पूरा अनुशासन चलता है, भाजपा के अंदर चिट्ठी प्रथा जो है वो कई बार चलती है लेकिन प्राय नहीं चलती, तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको सब करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ आपके संघ जो है वो आदिवासी और दलित समाज के बीच में निरंतर काम करके इस बात का संदेश देना चाहता है कि आप कोई हमारी नजर में
समानता के दृष्टिकोण से हैं, आपको हमने कोई, लेकिन कहा जा रहा है ना कि मुख्यमंत्री जब संघ की पसंद का तो मंत्रिमंडल में दखल दिखेगा, लेकिन ब्रजेश जी चूंकि समय की कमी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को होना है, तो उससे बहुत कुछ एक झलक मध्य प्रदेश के संभावित मंत्रिमंडल की भी लग सकती है, क्योंकि वहाँ भी बड़ी संख्या में सांसद चुनाव लड़े हैं, वहाँ भी कई सारे दिग्गजों को घर बिठाया गया है, वहाँ भी जो 15 साल के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनका हालांकि राजनीतिक पुनर्वास कर दिया गया और उन्होंने प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। निश्चित तौर पर एक संकेत तो मिल ही जाते हैं जब कहीं पर आप मंत्रिमंडल बनाते हैं, चाहे लेके मुख्यमंत्री की बात हो कि आपने किस तरह से जातीय समीकरण साधा, नए नाम लेकर आए, तो एक संकेत जरूर मिलते हैं मनोज जी। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ अलग हैं, वहाँ आपको अलग वर्ग को साधना है, मध्य प्रदेश में आपको तमाम वर्गों को साधना, मोटा मोटी तो मोटा मोटा ये आ जाता है कि हाँ वहाँ आपने सांसदों को लिया है तो यहाँ भी उनको मौका मिल सकता है, एक तस्वीर साफ होने लगती है। यदि वहाँ आपने पहली बार के विधायक को ले लिया तो ये तस्वीर साफ हो सकती है कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, आप यहाँ भी ले सकते हो पहली बार के विधायक को। तो ये जो संकेत मिल जाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, अंतर ये है कि वहाँ पे उतना घमासान है नहीं है, वहाँ विपक्ष में थी बीजेपी और मध्य प्रदेश में सत्ता में थी, तो ये जो बेसिक अंतर है, बड़ा अंतर है ये, इस वजह से आपको यहाँ पे संतुलन बनाने की, यहाँ आपको चयन करने में आपको ज्यादा कठिनाइयां हो रही है, वहां पर तो आप सत्ता से बाहर हैं। अगर वैसे माने तो छोटा ही अंतर है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन है और यहाँ सत्ता हस्तांतरण है, बाकी कमोबेश लगभग वैसे ही, लेकिन अब समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का शोर चल रहा है, कौन चेहरे होंगे, क्यों होंगे वो, कौन नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, कुछ नए चेहरों पर दाव लगाया जाएगा तो क्यों लगाया जाएगा, जाति संतुलन क्या होगा, जाति समीकरण क्या होंगे, क्षेत्रीय समीकरण क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे इवेंट बैठे हैं और राजनीति में इन सब चीज़ों का ध्यान जो आला कमान है वो रखता ही है, तो शायद यही कारण है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी देरी होती नजर आ रही है। लेकिन जो स्थितियाँ दिख रही हैं उससे देख कर लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा, लेकिन चूँकि जो दावेदार हैं उनके लिए तो एक एक पल का इंतजार भी एक एक सदी के बराबर है, और ऐसे में इंतजार करने के सिवा मीडिया के पास भी फिलहाल तो कोई चारा नहीं है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।